मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैम. जी बोलिए. जब से आप यहाँ पर आई हैं सबकी नजरें आपसे हट नहीं रही है मैम. बिल्कुल माशाल्लाह. ये सच है मैम, ये सच है. बहुत ही खूबसूरत लग रही है. मैम जब से मेरे फादर को पता चला है और मेरी मम्मी को पता चला है कि आप शो पर आ रही थी, तो उनका एक बहुत फेवरेट गाना था, दो लफ्जों की है. हाय हाय. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मैं अगर वो मोमेंट रिक्रिएट कर सकता हूँ आपके साथ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. ज़रूर ज़रूर. इस गाने के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. प्लीज़ मैम. ये गाना दो लफ्ज़ों की है. इसकी शूटिंग हुई थी वेनिस में, वहाँ की कनाल्स में. तो जब भी मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाती हूँ, चाहे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या अमेरिका, लोग मुझसे आकर कहते हैं, आपको पता है वो देखने के बाद हम लोग अपने हनीमून के लिए वहाँ गए थे. तो और उसके बाद आपको तो पता है. तो इस गाने का खास कंट्रीब्यूशन है हमारे हिंदुस्तान की आबादी बढ़ाने में. तू क्या गा रहा है? ये अपने प्यार को याद कर रहा है और गा रहा है. ऐसे नहीं, गा के सुना. गा के? हाँ. इन दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है या है जवानी. ला 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 ला. ये कश्ती वाला क्या गा रहा, जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी. दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी. एक बार जीनत नाम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.